अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ब्रेकफास्ट बनाना बता रहे हैं। ये मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं आपको अंडे फ्राई करने बताऊंगी और साथ मीठे स्लाइस। हमारा अंडा फ्राई हो गया। ये इस तरह से मैंने अंडे फ्राई किए हैं। अब मैं आपको मीठे स्लाइस बनाने बता रही हूँ। ये मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। हाफ कप मैंने दूध का लिया है। मैंने 8 टेबलस्पून मैंने चीनी के लिए हैं। ये सारी चीनी इसमें डाल देनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है। ये इसके अंदर हम डाल देंगे फूड कलर। ये मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो जाए। ये हमारा मिक्स हो गया सारा कुछ। चीनी इसमें मिक्स हो गई है, सब कुछ इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसकी, ये हमारा तैयार हो गया मटेरियल। अब हम इसको ब्रेड पर लगा के उसको फ्राई करते हैं। ये हम इसको अब ब्रेड पर लगा के इसको हमने फ्राई करना है। से इसको हमें फ्राई करते जाना है। ये हमारे मीठे स्लाइस बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तरीके से जब एक साइड हो जाए तो हम इसको पलट देंगे। फ्लेम को हमने लो रखना है क्योंकि ये जल ना जाए। ये देखिए हमारे स्लाइस तैयार हो रहे हैं।
तरीके से हमने दोबारा वो हमारे स्लाइस हो गए हैं, अब हम और दोबारा इसमें डालेंगे। इस तरीके से हम इसको फ्राई करते जाएंगे। इस तरह हमारे स्लाइस होते जाएंगे, इसको हम निकालते जाएंगे। ये आप घर में जरूर ट्राई करें, ये बहुत मजे के बनते हैं। बच्चे ब्रेकफास्ट में बहुत शौक से खाते हैं और ये बच्चों को लंच में भी दिया जा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। आप घर में इसको जरूर ट्राई करें, ये बहुत मजे का बनता है। मीठे स्लाइस बहुत अच्छे बनते हैं, आप घर में जरूर इसको ट्राई करें। जी तो व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है, आप लोगों का ब्रेकफास्ट कैसा बना है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।